भिलाई इस्पात संयंत्र एससी एसटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष पर एसोसिएशन के महासचिव एवं अन्य पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से पत्रकारों से चर्चा करते हुए गंभीर आरोप लगाए, जिसमें एसोसिएशन के नाम का गलत इस्तेमाल करने से लेकर एसोसिएशन को तोड़ने एवं एसोसिएशन के नाम से ही दूसरी एसोसिएशन बनाकर भिलाई इस्पात संयंत्र में पंजीकृत कराने की साजिश का मामला भी शामिल है। इन सभी आरोपों के साथ अब एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के साथ शासन प्रशासन सहित केंद्र सरकार से भी इसकी प्रमाणीकृत शिकायत करने का मन बना चुके हैं और जरूरी होने पर न्यायालय की शरण भी लेंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र एससी एसटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन भिलाई की एकमात्र मान्यता प्राप्त संस्था है, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये संस्था 2005 से स्थायी रूप से कार्य कर रही है। ये हमारे भिलाई और छत्तीसगढ़ के एस सी एस टी कर्मचारियों अधिकारियों के हितार्थ लगातार हम काम करते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारे अध्यक्ष श्री सुनील कुमार रामटेके जी, जो कि इसी महीने 31 जुलाई को रिटायर्ड होने वाले हैं, वे संस्था की गतिविधियों के खिलाफ, संविधान के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्था में ये नियम है कि सेवानिवृत्ति के बाद उनकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, वे अध्यक्ष नहीं रह जाएंगे। इसलिए वे ऐसा कार्य कर रहे हैं कि वे आने वाले समय में भी इस संस्था के अध्यक्ष बने रहें। इसी उद्देश्य को लेकर के आज हमारी यहाँ बैठक रखी गई थी। वे अभी पिछले मार्च में उन्होंने एक हमारी संस्था से मिलता जुलता नाम से एक अन्य संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया है। मेरी संस्था का नाम है बीएसपी एससी एसटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन भिलाई, उन्होंने एक नया संस्था का नाम रजिस्ट्रेशन कराया है जिसका नाम है बीएसपी एससी एसटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन छत्तीसगढ़, और उसके लिए उन्होंने भिलाई प्रबंधन को एक पत्र दिया है कि हमारी जो पुरानी संस्था है, हमारी जिसका मैं महासचिव हूँ, जिसका वे अभी भी अध्यक्ष हैं, उसको समाप्त करके हमको जो नई संस्था उन्होंने गठित की है उसको मान्यता दिया जाए। ये बिल्कुल ही संविधान विरोधी कार्य है, हमारे आदिवासी दलित भाइयों के संविधान हक के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वे इस महीने रिटायर हो जाएंगे, उनकी सभी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, उसको ध्यान में रख करके वो ये ऐसा संविधान विरोधी कार्य करने लगे। हम चाहते हैं कि ये जो संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं, हमारे एसोसिएशन के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये समाज में ये बात जानी चाहिए और प्रबंधन को हम बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल ऐसे व्यक्ति का साथ न दें, क्योंकि ये स्वतः इनकी ये समाप्त होने वाले हैं। अब आप इनके किसी भी पत्र व्यवहार पे कोई भी कार्रवाई न करें, क्योंकि फेडरेशन के भी चेयरमैन हैं दिल्ली में, और फेडरेशन में हमें पता चला है कि वहाँ भी ये तोड़फोड़ का काम कर रहे हैं, लेकिन फेडरेशन में इनको कोई रहने वाला नहीं, देने वाला नहीं है, और फेडरेशन में तो वैसे भी नहीं रहेंगे क्योंकि पूरे प्रांत के लोग हैं वहाँ पे, और प्रांत के लोग इनको 18 साल से झेले हैं, अब इनका वहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है। तो यहाँ की राजनीति को ये अपने हाथ में रखने के लिए हमारी एसोसिएशन में ये सब विद्रोह का काम कर रहे हैं, संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। इसकी शिकायत कहीं करेंगे क्या? मैं बिल्कुल, अभी हम प्रबंधन को शिकायत कर चुके हैं, हम सेल चेयरमैन को शिकायत किए हैं, हम एस सी एस टी कमीशन को भी शिकायत किए हैं, लोकल हम छत्तीसगढ़ के एस सी एस टी कमीशन को भी शिकायत किए हैं, अपने डीआईसी साहब को भी लेटर लिखे हैं कि ये गलत काम कर रहे हैं, इनको बिल्कुल प्रेशर न दिया जाए।